मां मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अमरेंद्र कुमार शर्मा एवं साहिल सेठ से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि भारत एक दिशा से सौभाग्यशाली है कि वह देवी देवताओं व ऋषि मुनियों की धरती है। संत महात्माओं के कहे गए वाक्य एवं वाणी लोगों को सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आयु के अनुसार प्राप्त किए ज्ञान से भी वह अपने को विद्वान समझने लगता है, तो वहीं उन्होंने कहा कि घमंड ही तो आदमी को पतन के गर्त में ले जाता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रावण जैसे विद्वानों को भी घमंड ले डूबा। घमंड आदमी का एक ऐसा शत्रु है जो उसके गुणों को अवगुणों में बदल देता है, इसलिए ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए लेकिन घमंड से दूर रहना चाहिए। वहीं नवजीत भारद्वाज ने 25 दिसंबर 2022 दिन रविवार को मंदिर परिसर में मां मंगलामुखी जी के निमित्त संपूर्ण फलदायी मासिक श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी मां भक्तों को खुला निमंत्रण दिया एवं सनातन समाज की सबसे पुरातन पद्धति हवन यज्ञ से जुड़ने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, विक्रम भसीन, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, संजीव सांवरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कौन पावरफुल हो सकता है अज तक समाज पर जिथे मैं आ जाती उसे किसी चीज़ की होर रोड़ नहीं मिलती। सो इसलिए ये चीज़ तो दूर रहना है और लगातार जिहड़ा तुहाडे नाल दे कोई सहयोगी है, कोई मंदिर आने चाहवान है, उन्होंने नाल लैके जरूर आओ, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी का समय है। तुहाडी बहुत ज्यादा किस्मत दे तुसीं धनी है जिहड़े आके दरबार से बैठे हैं। कोई गुरदासपुर तो आए है, कोई हुशियारपुर आए है, कोई अमृतसर तो आए है। खुशियां दा